रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल के त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिलते थे, अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चार लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार का अनुसरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज एलोकेटिंग 3000 करोड़ रुपीस फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ डबलिंग वी नीड 460 हेक्टेयर लैंड सो फार वी हैव गॉट अबाउट 63 हेक्टेयर विच इज 14% एंड वी हैव डिपॉजिटेड अबाउट 2100 करोड़ रुपीस and I'm constantly following up with the state government and we seek the support of state government for development of railways in Kerala. त्योहारों को देखते हुए रेलवे की तरफ से विशेष ट्रेनें तो चलाई जा ही रही हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रकार के विशेष इंतजाम किए गए हैं जिसमें स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं तथा गाड़ियों के आवागमन के सही समय की देखरेख के लिए रेलवे बोर्ड का गठन किया गया है। इसके साथ ही जोनल रेलवे मंडल तथा स्टेशन स्तर पर विशेष कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जो किसी भी तरह के समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से मौजूद हैं। कतारबद्ध तरीके से यात्रियों को ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान लगाए गए हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने अतिरिक्त कोच और रैक की व्यवस्था रिजर्व में की है जिससे कि अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा सके।